Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do third lesson of 9th class book Movement, and the name of the lesson is Ishwaran the Storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep, और एक रात महेंद्र क्या है वो अपनी नींद से उठता है, and saw a dark cloud form, और एक dark cloud form को देखता है. He broke out into a cold sweat, और एकदम उसको जो है कोल्ड स्वेट मतलब पसीना आ जाता है. Was it a ghost? क्या ये उसने भूत देख लिया था? Let's read and find out. The story was narrated to Ganesh. ये जो कहानी है ये किसको narrate की गई है? गणेश को बताई गई है. By a man, young man, Mahendra. By name. एक आदमी है जिसका नाम है महेंद्रा, उसने ये कहानी किसको बताई है? गणेश को. He was a supervisor, junior supervisor in a firm. एक फर्म में वो जूनियर सुपरवाइजर था. Which offered on higher supervisors at various type of construction site. और अलग अलग जो construction site है वहाँ पे वो supervisor का काम करता था, जहाँ पे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड सो. तो इस ऐसी जगह पे क्या है वो सुपरवाइजर का काम करता था. महेंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. और महेंद्रा का काम क्या था? महेंद्रा का काम क्या था कि उसको काम जो एक्टिविटी हो रही थी उसके ऊपर ध्यान रखना था. कहानी किसको सुनाई गई है? गणेश को. किसने सुनाई? महेंद्रा ने. महेंद्रा क्या है? महेंद्रा एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है. और महेंद्रा का काम क्या था कि जो ये डैम बन रहे हैं या फैक्ट्रीज या ब्रिज जो बन रहे हैं उसके ऊपर वो ध्यान रखता था कि काम ठीक से हो रहा हो. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस. जैसे ही हेड ऑफिस से ऑर्डर आता तो उसको क्या था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी हेयर कभी देयर, तो यहाँ वहाँ जगह जगह वो घूमता रहता था. फ्रॉम ए कोल माइनिंग कोयले की खान एरिया से लेके टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. या तो कहाँ उसकी ड्यूटी आई, कई बार तो जैसे कोयले की खान के अंदर ड्यूटी लग जाती उसकी, कभी उसका कहीं रेलवे का ब्रिज बन रहा होता वहाँ ड्यूटी लग जाती. फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, उसके बाद कहीं केमिकल प्लांट में which was coming up somewhere, कहीं वो केमिकल प्लांट लगने वाला था तो फिर उसकी ड्यूटी वहाँ. तो उसका काम क्या था कि जो काम होता था वहाँ पे साइट पे उसके ऊपर ध्यान रखना. He was a bachelor. कौन? महेंद्रा. महेंद्रा was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. एक तो वो बैचलर था, उसकी नीड सिंपल थी और वो अपने आप को ना किसी भी odd condition में अपने आप को क्या कर सकता था, वो adjust कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसको. Whether it was an ill-equipped circuit room, चाहे तो वो ill-equipped जिसमें अच्छे से मतलब ill-equipped हो यानी पूरी सुविधाएं ना हो ऐसा सर्किट हाउस हो, और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट या फिर कोई कैनवास टेंट लगा दिया गया हो इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी. स्टोन क्वेरी यानी कोई पत्थर की जो खान है उस खान में कहीं पे टेंट लगा दिया तो उसमें भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वर. लेकिन जो महेंद्रा था ना उसके पास उसकी एक पूंजी थी. पूंजी क्या थी? ईश्वर. द कुक वॉज कुक था जिसका नाम ईश्वर था. कुक जो है क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. महेंद्रा का जो कुक था ना वो उसको फॉलो करता था अनकम्प्लेनिंगली, बगैर किसी कंप्लेंट के. वो कहीं भी जाता जहां भी उसकी पोस्ट जाती ईश्वर उसके साथ जाता. ही कुक्ड फॉर महेंद्रा. क्वेश्चन पूछेगा कि ईश्वर क्या करता था, तो ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था. वॉश हिज क्लोथ, उसके कपड़े साफ करता था. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर, और उसके मास्टर के साथ बातें करता था एट नाइट, रात को.
ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो एंडलेस स्टोरीज जो है वो बुन सकता था, वीव करता, बुनना, वीव करता, बुन लिखता था, यानी कहानियां बहुत लंबी लंबी सुनाता था, एंड और एनेक्डोट्स छोटी स्टोरी ऑन वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे छोटी छोटी कहानियां भी सुना सकता था। यानी उसके क्या करता था, एक तो खाना बनाता, वॉशिज क्लॉथ्स, कपड़े धोता, उसके साथ बातें करता, उसके लिए उसको कहानियां सुनाता। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इनग्रीडियंट्स सम सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर। अब उसके पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्या कैपेसिटी थी, वो कहीं भी होता ना, वो वेजिटेबल्स कहीं ना कहीं से पैदा कर लेता, यानी जहाँ भी जाता, चाहे कोयले की खान में हो या पत्थरों की खान में हो, कहीं भी हो, वो खाने के लिए जो सामान की जरूरत होती थी, वेजिटेबल होती थी, उसको पैदा कर लेता था। सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे ये लग रहा ना कहीं भी नहीं मिलेगी, वहां भी उसको मिल जाती थी। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, एक लैंडस्केप में भी, विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहां पर कई मील तक कोई दुकान नहीं दिखती थी ना, वहां पे भी इन चीजों की व्यवस्था कर लेता था। ही वुड मार्वेलसली कॉन्जोर अप द मोस्ट डिलीशियस डिश मेड विद द फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू प्लेस। जो कोई भी नया प्लेस जहाँ भी वो पहुँचते, नई जगह जहाँ भी पहुँचते, वहाँ पे बहुत जल्दी वो डिलीशियस खाना जो है वो तैयार कर देता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्रा सुबह जल्दी उठता और वो जल्दी काम पे चला जाता ब्रेकफास्ट के बाद, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ खाना लेके। मीनवाइल ईश्वरन वुड टैडी अप द शिप, जो ईश्वरन है वो क्या करता, छप्पर को साफ करता, यानी जहाँ पे वो रहता वहाँ सफाई करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े साफ करता, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और एक शानदार स्नान करता, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, पोरिंग होता उड़ेलना, और अपने ऊपर बहुत सारी पानी की बाल्टी अपने ऊपर उड़ेल लेता। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और एक प्रेयर जो है उसको बोलता रहता था, यानी भगवान का नाम लेता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम, ये लंच टाइम होता बाय देन, तब तक, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल, कुछ देर वो पढ़ता, बिफोर डोज ऑफ होता थोड़ी देर के लिए सोना, तो डोज ऑफ होने से पहले थोड़ी देर वो पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल, वो क्या पढ़ता था कि एक तो पॉपुलर जो तमिल थ्रिल वाली फिल्म स्टोरीज होती है ना, रनिंग टू द हंड्रेड्स ऑफ पेज, सौ सौ पेजों की जो कहानी होती थी तमिल थ्रिल की, वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और इसमें जो आकर्षक चीजें होती, जो डिस्क्रिप्शन होता, वो चीजें इसको क्या करती थी, बांध के रखती थी, थ्रिल को बांध के रखती थी, मजा आता उसको चीजें पढ़ने में। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जितने तमिल रीडर्स को, ऑथर्स को वो पढ़ता था, इसकी कहानी या इसका जो डिस्क्रिप्शन करता ना, या कहानी सुनाता, तो वो चीजें इससे इंस्पायर होती थी, इससे मिलती जुलती होती थी। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो कोई बिल्कुल छोटा सा भी इंसिडेंट अगर वो डिफाइन करता ना, क्या कहता वो, He would try to work in suspense. छोटी सी छोटी बात को वो सस्पेंस बना लेता था, एंड ए सरप्राइज एंडिंग टू काउंट, आखिर में एक सरप्राइज होता था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मान लो छोटी सी कहानी की, कोई हाईवे पे जा रहा था, उसको एक अपरूटेड ट्री यानी एक पेड़ मिला जो जड़ से निकला हुआ पड़ा था, तो वो ये नहीं कहता कि रास्ते मेरे को एक पेड़ मिला जो जमीन से उखड़ा हुआ था, वो क्या कहता, ही वुड सी विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, उसकी आंख जो है भव्य जो है एक साइड से चढ़ जाती, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, उसके हाथ जो है इशारा कर, और फिर क्या कहता वो, कि द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन,
जो रोड है वो सुनसान था और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, और मैंने कुछ देखा दैट लुक लाइक एन इनोमरस बुशी बीस्ट, और एक बहुत इनोमरस विशाल, जैसे कोई विशाल बीस्ट है, कोई जानवर है, लेइंग स्प्रॉल अक्रॉस द रोड, जैसे कि वो सोड़ के बीच में फैला हुआ बैठा है, लेटा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और मैंने आधा प्लान कर लिया कि मैं क्या करूँगा, वापस चला जाऊँगा क्योंकि रास्ते में तो जानवर बैठा है। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। अरे जब नज़दीक आया देखा फॉलन ट्री था, विद इट्स ड्राई ब्रांच इज सेपरेट आउट, इसकी जो शाखाएँ हैं वो फैली हुई थी, सूखी शाखाएँ फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, वो अपने आप को कैनवास चेयर पे ले जाता महेंद्रा, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और बगैर किसी अनक्रिटिकली यानी आलोचना नहीं करता था, जो भी मैं ईश्वरन सुनाता ना चुपचाप बैठ के वो उसकी कहानी सुनता रहता था, उसकी आलोचना, आलोचना मतलब होता है टट्टी फट्टी करना, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं करता था, चुपचाप वो सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वरन कहानी शुरू करता है, क्या कहानी शुरू करता है कि मैं जहाँ से आया हूँ ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे टिम्बर्स के लिए वो फेमस है, टिम्बर लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना, तो लकड़ी के टिम्बर्स के लिए वो फेमस है। देर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्डेड ऑन द लॉरीज बाई एन एलिफेंट, और जो लॉग्स हैं गट्ठे हैं उनको हाथियों के द्वारा लॉरीज में गाड़ियों में रखा जाता है। देर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। वैन दे टर्न वाइल्ड, जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, और वो बताता है कि यहाँ पर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड महावत जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं ना, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबेट एनीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और ऐसा करने के बाद जो ईश्वरन है वो अपनी कहानी शुरू करता एलिफेंट को इन्वॉल्व करके, अब हाथियों के बारे में फिर वो कहानी बताता, क्या बताता। वन डे एक दिन एक टस्कर मतलब हाथी एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक टिम्बर यार्ड से एक हाथी वो निकल आया, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और यहाँ वहाँ घूमने लगा, स्टैम्पिंग द बुशीज, बुशीज के ऊपर स्टैम्प करने लगा यानी कुचलने लगा, टियरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, जो वाइल्ड क्रीपर्स जंगली जो बेल है उनको फाड़ने लगा, एंड ब्रेकिंग ब्रांचिस एट अ होल, और जो ब्रांचिज है उनको तोड़ने लगा। यू नो, तुम्हें पता है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, एलिफेंट कैसे बिहेव करता है व्हेन इट गोस मैड, जब पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में इतना खो जाता था ऑफ हिज ऑन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप, कि वो खड़ा हो जाता फ्रॉम द फ्लोर से, एंड जम्प्ड अबाउट, और उछलता, स्टैम्पिंग हिज फिट, अपने पैरों को मारता इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे मैड एलिफेंट अपने पैर धक्के मारता ना, वैसे पैर मार के दिखाता सर ऐसे। द एलिफेंट reached outskirts of our town, और जो एलिफेंट है वो क्या है, हमारे कस्बे के बाहर आ गया था। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक ए मैस्टिक्स, और जो फेंस थी, फेंस होते हैं ये जो बाउंड्री होती है ना, उस फेंस को तोड़ के, जैसे माचिस की पीलियाँ तोड़ते हैं ऐसे तोड़ते हुए आ गया। ही वुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करता है। इट केम इन टू द मेन रोड, वो मेन रोड पे आया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और जितने भी वहाँ पे फ्रूट्स की दुकान थी, मड पॉट्स की यानी जो मटकों की दुकान थी और कपड़ों की दुकान थी, उन सबको उसने क्या कर दिया, स्मैश कर दिया। पीपल रन हेल्थर शेल्थर स्केल्थर इन पैनिक, लोग जो है हेल्थर स्केल्थर यहाँ वहाँ भागे पैनिक, डर में, पैनिक दर्द के साथ चिल्लाते हुए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल, और जो एलिफेंट है वो स्कूल में एंटर करता है, स्कूल ग्राउंड में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे जहाँ खेल रहे थे,
ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, बच्चे जो हथियार देते हैं ना वहाँ की जो ब्रिक वॉल उसको तोड़ के हाथी अंदर आ जाता है। ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लास रूम, सारे लड़के भाग के क्लास रूम में चले गए एंड शट द डोर टाइट, और डोर्स को टाइटली बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जो बीस्ट है वो आवाज करता है, एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वहाँ घूमता है और जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसको वो उखाड़ देता है। चीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट है उसको फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द जम कैप फॉर वाटर, लात मारता है और फ्लैट कर देना ड्रम जो पानी के लिए रखे थे ना ड्रम, उनके ऊपर पैर रख के उनको बराबर कर देता है। एंड अपरूटिंग द शब्स, झाड़ियाँ उखाड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे टीचर्स जो है स्कूल की टेरिस तक पहुँच जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो जो एलिफेंट जो कुछ कर रहा था उस चीज़ को वो देखते हैं। देयर वॉज नॉट ए सोल ब्लो ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ ऊपर से डिगे टेरिस पे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ खाली थी, एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, जैसे कि टाउन के जितने लोग थे सारे के सारे क्या हो गए हैं, वो डिसअपीयर हो गए हैं, सारे सारे सारा रोड खाली। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम जूनियर क्लास में था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द टॉप रूफ टॉप, और रूफ की टॉप से मैं ये ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मेरे क्या हुआ एकदम। आई ग्रैब्ड ए कैन, मैंने एक कैन एक छड़ी ली फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ आवर टीचर, हमारा जो टीचर था ना उसके हाथ से मैंने एक छड़ी ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और जीने से मैं नीचे गया, दौड़ते हुए नीचे गया। इनटू द ओपन, खुले में, द एलिफेंट ग्रंटेड, जो एलिफेंट है उसने ग्रंट किया, दहाड़ा, आवाज़ की, गुर्राया। एंड मिंसिंगली स्विंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और एक ट्री की जो ब्रांच है उसको घुमाया उसने, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको उसने अपने सूंड में, यानी सूंड में जो उसने पकड़ रखी थी ना एक पेड़, वो उसने घुमाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फिट, उसने अपने पैर को स्टैम्प्ड तप तपाया। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड, बहुत सारा कीचड़ जो है उसमें लात मारी उसने, एंड डस्ट। इट लुक्ड फ्राइटेंडिंग, फ्राइटेंड, ये सब कुछ बहुत डरावना था, बट आई मूव स्लोली, लेकिन मैं धीरे से बढ़ा टूवर्ड्स इट। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोटनाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, आसपास के घरों से जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, जो एलिफेंट है उसने लाल आंखों के साथ मुझे देखा। Ready to rush towards me, मेरे तरफ दौड़ने वाला था। It lifted its trunk, इसने अपनी सूंड उठाई, and thumped loudly, और बहुत तेज ने आवाज़ की। At that moment, उस समय I moved forward, मैं आगे आया, and और mustering all my force, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, whacked, और प्रहार किया its third nail के ऊपर, टॉय नेल के ऊपर, ऑन द क्विक, जल्दी से इसके तीसरे नेल पर प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड सून फॉर ए मोमेंट, और ऐसा लगा जो बीस्ट है वो एक पल के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया है। देन इट्स रीव्ड, फिर ये कांपा, कंपना इसी ऊपर फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और वो नीचे गिर गया। मतलब मैंने उसके पैर के तीसरे नेल पे मारा, और जैसे ही मैंने मारा, मारते ही जो हाथी है वो एकदम कांपा, शिवर्ड कांपा, और वहाँ से सिर से पैर तक उसके शरीर में कंपन हुई, और वो एकदम कोलैप्स्ड हो जाना, ढह जाना, और एकदम वो ढह जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन हम कल करेंगे। बाय।